दो बड़े आलू को मैंने छील के ग्रेट कर लिया है और पानी डालकर अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। उसके बाद छन्नी से मैंने निकाल कर इसे एक बाउल में डाल दिया है और 1 से 2 चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे उछालते हुए मैंने गोल शेप दे दिया है, तो इसे हाथ से दबाकर शेप नहीं देना है, इसी तरह उछालते हुए ही शेप देना है। और उसके बाद जब अच्छा सा तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसे फ्राई होने के लिए तेल में डाल दिया है और इसे उलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लिया है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो गोल्डन कलर आने के बाद इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी।